इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। तो अगर आप लोग जनरल एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो भी लोग ओबीसी से बिलोंग करते होंगे वो लोग इस स्कॉलरशिप को ले लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जिस स्कॉलरशिप में बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने बता चुका आपको, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट, तो ये बेसिकली पहले ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे मैं सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग दिल्ली से बाहर के तो भी आप इस स्कॉलरशिप को छोड़ सकते हैं इस वीडियो को, और वीडियो शेयर कर देना अपने दिल्ली वाले फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो लोग इस स्कॉलरशिप को फिल कर सके, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइव है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा देता हूँ और आपको पहले बता देता हूँ इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको कितना अमाउंट रिफंड हो जाएगा इस स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे आपकी जो भी ट्यूशन फीस और नॉन रिफंडेबल जो भी आपने फीस भरी अपने कॉलेज में, वो सारी की सारी आपकी यहाँ इस केस में रिफंड हो जाएगी। और आपके स्टडी टूर चार्जेस, अगर आप लोग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, तो आपके यहाँ पे टाइपिंग और थीसिस चार्जेस भी यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद आपके बुक अलाउंस, अगर आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको वो भी यहाँ पे रिफंड हो जाएगा, और बाकी सारी फैसिलिटीज जैसे कि बुक बैंक फैसिलिटी, ये सारी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक टर्म इन्होंने बताया मेंटेनेंस अलाउंस, अब यहाँ पे किसको और कितना मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको कोर्स वाइज देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप हॉस्टल ले रहे हो या डे स्कॉलर हो तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे वेरी करने वाला है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप ए के कोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर आपका मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तो ये सारे कोर्सेज, पायलट रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए, सीए वगैरह, तो ये ग्रुप ए के अंदर आते हैं, जिसमें आपको हॉस्टल वालों को 750 रुपए मिलते हैं और 350 रुपए मिलते हैं आपको डे स्कॉलर के लिए। ये पर मंथ का इसका चार्जेस है जो आपको मिलता है यहाँ पे, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको 10 महीने के लिए मिलती है, बाकी सब स्कॉलरशिप की तरह नहीं मिलती। बाकी सारी स्कॉलरशिप जो होती है आपको 12 महीने के लिए मिलती है, पर ये आपके यहाँ पे 10 महीने के लिए रहती है। तो यहाँ पे फिर ग्रुप ए में ये सारे कॉलेजेस आते हैं, और ग्रुप बी में जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये आपका ग्रुप बी में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है तीसरा जो कि होता है ग्रुप सी, जिसके अंदर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो ये इसका ग्रुप सी में आ जाता है। और लास्ट में बचता है ग्रुप डी, जो का हमारा डिप्लोमा और आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज के अंदर आ जाता है, जिसमें भी स्कॉलरशिप वेरी करती है यहाँ पे डे स्कॉलर और हॉस्टलियर वालों के लिए। हॉस्टलियर वालों के लिए स्कॉलरशिप ज्यादा है, डे स्कॉलर वालों के लिए थोड़ी सी कम है, वहाँ पे उसका वेरी करता है अमाउंट। और जैसे मैंने बताया था स्कॉलरशिप जो रहती है आपकी यहाँ पे सिर्फ 10 महीनों के लिए मिलती है, बाकी सारे स्कॉलरशिप की तरह नहीं कि आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो 12 महीने के लिए मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे इसकी पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसका मैं पीडीएफ अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स पे अपलोड करने वाला हूँ, आप वहाँ पे कनेक्ट होकर देख सकते हैं। साथ साथ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे वहां से डाउनलोड करके भी आप इसे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि जैसे मैंने बता रखा है यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके और भी अच्छे से समझ आएगा, मैं इसे सारा नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो उससे और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो और ये सारे इसके डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे कनेक्ट होकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको मैं अलग लिंक पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड करके देख सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इन फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप वेबसाइट खोल सकते हैं आराम से। और आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे रहा हूँ, आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर यूजर लॉगिन का, आपको इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, जहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन होना होगा। तो अगर आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर ही पहली बार आ रहे हैं और आपके पास इसका लॉगिन पासवर्ड नहीं है, तो आप लोग ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 मिनट के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड किस तरीके से जनरेट करना है वो यहाँ पे आपको बता रखा है। और अगर आप लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड कभी खो गया या गुम हो गया है और आप लोग अब अप्लाई नहीं कर पा रहे इसके लिए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया ये वाला, आप लोग इसको भी जाकर चेक कर सकते हो। अभी 5 मिनट में आप लोग उसे अपना पुराना यूजर आईडी पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, यूजर आईडी पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन होकर भी दिखा देता हूँ। अब ये सारी डिटेल्स यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का बटन देखेगा, आप लोग लॉगिन पे क्लिक करके बड़े आराम से लॉगिन हो सकते हैं। आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल। अब आपको ऑप्शन मिलेगा होम के बगल में अप्लाई ऑनलाइन, सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको इसे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दिख जाएंगे अलग अलग। अब आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ढूंढ लेना, डिपार्टमेंट ऑफ एससी एसटी, आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दिख जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एससी एसटी, आपको इसे देख लेना, यहाँ पे आपका दिख गया डिपार्टमेंट ऑफ एससी एसटी। अब इसके अंदर आपको एक स्कॉलरशिप दिख जाएगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, ये अभी आपकी 68 सीरियल नंबर पे आ रही है, इसका सीरियल नंबर वेरी करता रहता है, तो अगर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे हो सकता है सीरियल नंबर चेंज हो।
पर इसका डिपार्टमेंट ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST। तो आप यहाँ पे जाकर के इसे देख सकते हैं, बड़े आंसर मिल जाएगी आपको। यहाँ पे नाम से कंफ्यूजन होने, यहाँ पे आपको प्री मैट्रिक भी दिख जाएगी और पोस्ट मैट्रिक भी दिख जाएगी, पर आपको पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे क्लिक करना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी। यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे और आप आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स जो है आपकी यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ये आपको अपडेटेड जरूर रखना। अगर यहाँ पे पुराना है तो आप अपडेट कर सकते हैं एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके, या फिर आप लोगों को प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर ही अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग, मैं आपकी पूरी तरीके से वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। अब सारी डिटेल जब आपकी सही होंगी तो आपको कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पे आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे जो आपकी फैमिली इनकम है वो यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं है। आप वीडियो अभी कभी छोड़ सकते हैं और वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना फ्यूचर में आने वाली स्कॉलरशिप के लिए। इस स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई कॉरेस्पॉन्डिंग से कोर्स कर रहे हो तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, आप भी वीडियो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे लाइन हमको ये बताती है कि आप इसके साथ कोई दूसरी और स्कॉलरशिप या सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडेड स्कॉलरशिप, कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। ये तो सारी चीजें हैं आपकी, और यहाँ पे और भी सारी चीजें आपके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी है, आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से जब आप अपना फॉर्म खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता चुका हूँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे आपका बहुत छोटा सा फॉर्म है जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी यानी कि एडमिशन नंबर, जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपका एडमिशन नंबर आप लोग डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, आपका नाम वगैरह डाल देंगे। अगर आप पहली बार इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो हो सकता है पहली बार कर रहे हो तो आप यहाँ फ्रेश डाल देंगे, और अगर आप इसे पहले भी ले चुके हैं तो आप यहाँ रिन्यूअल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी या जो भी ओबीसी है, जैसे मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, तो सिर्फ ओबीसी के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं बताया था। और यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम, आपके पास इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो आप लोग ये वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम सर्टिफिकेट 3 तरीके से बना सकते हैं, मैंने तीनों यहाँ पे बड़े आराम से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं घर बैठे बैठे बड़े आराम से। कोई दिक्कत आने पर कमेंट में आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आपका जो कॉलेज वगैरह है या वो दिल्ली के अंदर है या नहीं है वो आप जाके लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपनी कॉलेज की डिटेल्स यहाँ पे भरनी रहेगी कि आप ITI पॉलिटेक्निक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है प्राइवेट, जो भी चीजें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज की जो भी डिटेल्स है, आप यहाँ डिटेल्स भर लेंगे। इस डिटेल्स भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, आपकी हमें पूरी तरीके से मैं हेल्प कर दूंगा। यहाँ पे प्रेजेंटली आप किस क्लास में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या चीजें 11th में 12th में है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बेसिकली क्लास की डिटेल्स फिल होगी, अपनी एजुकेशन डिटेल्स, इसके बाद आपकी यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल होने वाली है, तो आप यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, आपने जो फीस भरी होगी आपकी फी रिसिप्ट होती है उसको आप अच्छे से देखेंगे, तो वहाँ पे आपको अपनी फीस के अलग अलग पार्टीशन देखने के लिए मिलेंगे, इसमें ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। आपको इसे सीरियल वाइज भर लेना है, बड़े आराम से अच्छे से भरना, और आपका जो सम होना चाहिए वो टोटल फीस के बराबर होना चाहिए, तो आप इसको भर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे फिल करके भी दिखा देता हूँ अभी के भी। जब आप सारी डिटेल्स भर लेंगे तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जब सारी डिटेल्स भरने के बाद फिर यहाँ पे आपको सारी चीजें भर लेंगे, आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे, आप चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से डिटेल्स को, उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना, अब आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल देगा। आपको यहाँ पे फी रिसिप्ट जो आपने फीस भरी होगी कॉलेज की वो यहाँ पे लगा देंगे, आपका रेसिडेंट प्रूफ में आप लोग वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, लैंडलाइन का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चारों चीजें लगा सकते हैं। अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी नहीं है तो उसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। इसके बाद फी रिसिप्ट जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आधार कार्ड आपको लगा लेना है, सेल्फ अटैच करके लगाना, यानी उसके ऊपर आप लोगों का साइन कर सकते हैं, आप लोग फोटोकॉपी करा के साइन कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग लगा लेंगे, इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका नया होना चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूँ पुराना है तो आप लोग कैसे नया बनवाना उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया और ऊपर आई बटन में भी दे दिया, आप वो जाके जरूर चेक कर सकते हैं। आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पे लगा लेना, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जो बैंक डिटेल्स है यानी बैंक का जो फ्रंट पेज होता है उसकी यहाँ पे फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है यहाँ पे, और ध्यान रहे आपका जो अकाउंट है वो मेजर होना चाहिए, साथ साथ आपका अकाउंट आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपकी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है, उसके बाद आपका फीस स्ट्रक्चर का प्रूफ यहाँ पे लगा देना है, जो यानी कि जो भी फीस स्ट्रक्चर जो आपने पहले भरा था जैसे मैंने दिखाया था उसका पूरा प्रूफ आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे हॉस्टल ईयर का भरा है कि मैं, अगर आपने हॉस्टल ले रखा होगा तो आपको यहाँ पे हॉस्टल का ऑप्शन मिल जाएगा, हॉस्टल का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने देंगे। अगर आपने हॉस्टल नहीं ले रखा है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं शो करने वाला। इसके अंदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने जो भी
लैपटॉप का बिल वगैरह हो गया या और भी कोई बुक चार्जेस हो गए जो आप लेना चाहते हैं, रिफंड करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 1 और 2 में लगा सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक मिनट में। जब आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह के साइन दिख जाएंगे, कुछ में ग्रीन होंगे, कुछ में येलो और कुछ में रेड भी हो सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी रहेगी, फोटो अपलोड कर सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करनी है तो। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद आपके यहाँ पे सारी डिटेल्स, यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, इसके जो भी डिटेल्स आपने कॉलेज से रिलेटेड भरी होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपकी जो भी स्कूल कॉलेज से रिलेटेड डिटेल्स भरेंगी वो, और आपकी बैंक डिटेल्स, फी डिटेल्स जो आपने फिल करेंगे, इसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करें सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप दोबारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड हुआ है वो भी आप यहाँ बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद फोटो अगर आपको चेंज करना तो फोटो भी एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आप फोटो भी अपडेट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स सही होने के बाद आप यहाँ चेक कर लेंगे क्रॉस वेरीफाई पर, बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपका ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल सबमिट, आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस ओके पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जैसा मैंने सबसे पहले ही बता दिया आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड रखना होगा। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, अब तक आप ओटीपी डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब इस फॉर्म को सबमिट करने में आपको कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ से सारा काम आपका हो चुका, आपको कुछ नहीं करना। अब जैसी ये चीजें सबमिट हो जाएंगी आपको रिपोर्ट्स पे आ जाना है, एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको जो वो फॉर्म आपने भरा हो उसकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे किसी पे भी आप लोग, और यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेंगे। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, उन सभी की आपको फोटोकॉपी करवा करके सेल्फ अटैच करके अपने कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है। यहाँ से आपका ऑनलाइन काम तो खत्म हो चुका है, अब आपको कॉलेज में भी सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो ये था सारी डिटेल्स, आपको कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सारे के सारे आपको वहाँ पे सोल्यूशन कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।